हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एट होम किचन विद सरिता पुरी। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश। हम इस स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल कई स्वीट डिशेस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, मिल्क शेक बनाने में, या हम इसे जैम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बना लेते हैं हम स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज, 300 ग्राम चीनी, एक छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड। मैंने स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से धोकर इनका डंडल निकाल के इसे रफली काट लिया है। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालें, चीनी डालें और इसका इस तरह से पेस्ट तैयार कर लें। पैन को गर्म होने के लिए गैस पर रखें। अब इसमें स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डालें, आधा छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड का डालें। इसे अब 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने दें। इसे बीच बीच में कुछ देर बाद चलाते रहें। मैंने अभी 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज, 150 ग्राम चीनी और आधा छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। बाकी सामग्री का इस्तेमाल कहाँ करना है वो अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। ये देखें अभी ये कितना वाटरी है। ये देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी देखें कितना अच्छा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई है। ये देखें स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार है। जो बाकी हमने सामग्री रखी थी अब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को उसी तरह से अच्छे से धोकर उसका डंडल निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन गरम करें, उसमें स्ट्रॉबेरीज डालें, चीनी डालें। अब इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में 1 से 2 उबाल आने तक पकने दें। ये देखिए किस तरह से चीनी ने और स्ट्रॉबेरीज ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड। अब इसे मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार है। इसमें ये छोटे छोटे जो पीसीज हैं स्ट्रॉबेरीज़ के, इससे बड़ा ही अच्छा एक टेस्ट आता है। दोनों तरह के स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार हैं। आपको जो पसंद आए वो बनाएं। ज़रूरी बातें, जब भी हम स्ट्रॉबेरीज़ घर पे लाते हैं या 1 या 2 दिन बाद वो ख़राब हो जाती है। स्ट्रॉबेरीज़ जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए आप स्ट्रॉबेरीज़ को पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद उसे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद उसे फ्रिज में स्टोर करके रखें। ऐसा करने से स्ट्रॉबेरीज़ 10 से 12 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ को 4 से 5 महीने के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इसे सुखा लें और क्लीन रैप में इसे अच्छे से रैप कर लें और फ्रीज़र में रख दें। ऐसा करने से स्ट्रॉबेरीज बड़े ही आराम से 4 से 5 महीने ख़राब नहीं होगी। हमने जो स्ट्रॉबेरी का क्रश तैयार किया है इसका इस्तेमाल हम कई तरह की स्वीट डिशेस बनाने में कर सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर चाहते हैं। इस स्ट्रॉबेरी क्रश को एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कई बार स्ट्रॉबेरीज खट्टी होती हैं तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीनी पड़ती है। अगर स्ट्रॉबेरीज़ मीठी हो तो उसमें कम चीनी पड़ती है, इसीलिए चीनी इसमें अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।